हेलो बच्चों, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 7 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या करना है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को मैं आपको बता चुका हूँ, और 1 से लेकर 6 तक का मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। सबसे पहले आप 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन को देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, ताकि आपसे क्या हो, ये क्वेश्चन ईजिली बन जाए। और फॉर्मूला को आप जरूर देखें, ठीक है। वीडियो में बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y इक्वल टू इसको ले लेंगे हम लोग 2√cotx2। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा 2 तो सामने आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा cotx2। अब हम लोग क्या करेंगे 2, अब हम लोग रूट को कैसे लिख सकते हैं, रूट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, cotx2 इसके पावर हाफ 1/2। रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखेंगे किसके फॉर्म में आ गया हम लोग का, ये हम लोग का देखिए एक्स के पावर एन इस तरीके से आ गया। इसका डिफरेंशिएट कैसे होता है, पहले पावर को पहले लिखते हैं, पावर सामने आता है, फिर एक्स के पावर में क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं, सेम चीज आ गया। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 2। अब यहाँ पे देखिए 1/2 क्या आएगा, सामने आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो कोट का क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी इसके पावर में क्या हो जाएगा 1/2 − 1। पावर सामने लेके आए और फिर क्या करेंगे इसके पावर में 1 माइनस कर देते हैं, ये तो हो गया। अब किसका डिफरेंशिएट होगा हम लोग का, कोट एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे कोट एक्स स्क्वायर का क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसका कैसे करेंगे। देखिए ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हम लोग, जो बचा उसको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का कोट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा 1/2। उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 * अब यहाँ पे देखिए कोट एक्स का क्या हो जाएगा, कोट एक्स का क्या हो जाएगा हम लोग का, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, कोट एक्स का क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग ध्यान से देखेंगे कोट एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स के प्लस में कितना, एक्स के प्लेस में कितना है एक्स स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएट होगा हम लोग का, एक्स के पावर 2 का, एक्स के पावर 2 का डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ पे क्या होगा हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग का इसको क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग नीचे ले आते हैं, इसको हम लोग नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा कोट एक्स के पावर 2, और इसका पावर क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, माइनस में था ऊपर में, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं हम लोग, माइनस यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं मैं, माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा इस चीज को देखेंगे 2x^1 − करेंगे कितना आएगा 1, तो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा हम लोग का −2x cosec² एक्स स्क्वायर ना, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोसेक का स्क्वायर है उसके बाद एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको रूट में हम लोग लिख सकते हैं कोट एक्स स्क्वायर, क्या होगा अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का आ जाएगा, हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग क्या आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।